सभ्यता अध्ययन केंद्र के आज इस संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज के डायरेक्टर रविशंकर जी हैं और आज हमारे वार्ता का विषय है अफगानिस्तान में तालिबान शासन की पुनर्वास। आज के हम इस कार्यक्रम में हम लोग इस बात पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि तालिबान के आने के बाद से इसके क्या मायने हो सकते हैं, सभ्यता या सिविलाइजेशन की दृष्टि से तालिबान के जो भी कॉन्सेप्ट और जो भी क्रियाकलाप हैं उनसे पूरा अफगानिस्तान कैसे प्रभावित होगा और इस तालिबान की सत्ता में आने के बाद से भारत के साथ साथ तालिबान के अगल बगल के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके ऊपर क्या क्या असर पड़ सकता है और सबसे बड़ी बात मानव सभ्यता के इतिहास में इस घटना को किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले रविशंकर जी से मैं पूछना चाहूंगा कि सर आप इस घटना को किस रूप में व्याख्यायित करना चाहेंगे। धन्यवाद ओंकार जी। मैं सबसे पहले ये जो पूरी घटना हो रही है अफगानिस्तान में, वहां से अमेरिकी फौजों का हटना और तालिबान का कब्जा करना, फिर सत्ता पे कब्जा करना और एक पूरा देश किस प्रकार से एक आतंकवादी संगठन का बंधक बन जाता है, यह देखना। तो सबसे पहली बात यह है कि यह कोई, हम लोग सोचते हैं कि यह एक अफगानिस्तान की समस्या है, अफगानिस्तान नामक कोई देश है, उस देश में कोई समस्या क्रिएट हुई है, तालिबान नाम का कोई संगठन बना है जिसने एक देश को कब्जा किया है। लेकिन यह केवल इतनी छोटी सी बात नहीं है, यानी अफगानिस्तान में किसी आतंकवादी संगठन का हावी होना ये एकमात्र समस्या नहीं है। आप विचार कीजिए, ऐसे दुनिया भर में बहुत सारे देश हैं जहां पर आतंकवादी संगठन है वो काम कर रहे हैं। यह एक ही ग्लोबल फेनोमेना है, एक अंतरराष्ट्रीय परिघटना है जिसके ये छोटे छोटे स्थानीय रिफ्लेक्शंस यानी उसके उभार, उसके प्रकटीकरण है और इस प्रकटीकरण के कई स्वरूप हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि यहाँ पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, यह एक स्वरूप है या इसका अर्थ यह नहीं है कि एकमात्र कोई घटना हो गई। या हम देखते थे पहले बोको हराम एक संगठन था नाइजीरिया में। अब नाइजीरिया में बोको हराम का क्या मामला था, आप विचार कीजिए उसको। ऐसे ही पूरे दुनिया में जो अलग अलग, जैसे रशिया में चेचेनिया का जो मामला था वह क्या मामला था, फ्रांस में जो हमले हो रहे हैं वह कौन सा मामला है, तीन सारे में एक ग्लोबल फेनोमेना है ये। उस ग्लोबल फेनोमेना का एक चीन दिखती है और वह एक कोई संबंध, अंतर संबंध दिखता है। हम उस अंतर संबंध को नकार करके इसको एक इंडिविजुअल एक घटना के रूप में देखेंगे तो हम बहुत बड़ा धोखा खाएंगे। मैं इसकी व्याख्या आगे करता हूँ, भारत के संदर्भ में इसको हम कैसे देखते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, इसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सर वही जनसंख्या, वही समुदाय के लोग पाकिस्तान में भी हैं, इंडोनेशिया में भी हैं, टर्की में भी हैं, लेकिन वहाँ इस प्रकार की घटना तो नहीं दिखाई देती है जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? दरअसल क्या है, आप देखेंगे कि यह जो घटना है यह क्या है, तो एक प्योरिस्ट फॉर्म की तलाश है। एक वहां पर एक सेमेटिक रिलीजियंस में एक मान्यताएं चलती हैं, वहां क्या है, मैं प्योर हूं और ये एकमात्र, प्योर का अर्थ होता है एक ही चीज कोई प्योर हो सकती है। वह जैसे कि वो उदाहरण देते हैं, जाकिर नायक का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। जाकिर नायक से पूछा गया कि भाई आप अपने यहाँ दूसरे रिलीजन्स को क्यों नहीं टॉलरेट करते हैं, उनसे ये पूछा गया कि दूसरे देश में तो आपको टॉलरेट करते हैं तो आप क्यों नहीं करते हैं? तो उसने कहा देखिए, मान लीजिए कोई बच्चा, हम एक क्लास में पढ़ मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और वहाँ ढेर सारे टीचर्स आ जाए, एक टीचर 2+2=3 पढ़ाए, एक टीचर 2+2=5 पढ़ाए, एक टीचर 2+2=4 पढ़ाए, हम किसको शिक्षक रखेंगे? नेचुरली हम उसको रखेंगे जो 2+2=4 पढ़ाएगा। तो 2+2=3 पढ़ाने वाला, 2+2=5 पढ़ाने वाला, उसको हम शिक्षक नहीं रखेंगे। रिलीजियस मामलों में 2+2=4 केवल और केवल इस्लाम में है, यह जाकिर नायक को कहा गया। लेकिन अब विचार करने की बात यह है कि 2+2=4 इस्लाम में कौन बता रहा है, सुन्नी सही बता रहा है या शिया सही बता रहे हैं या अहमदिया सही बता रहे हैं या फातिमाइद सही बता रहे हैं, कौन सही बता रहा है? तो वहां पर उनके इंटरनल झगड़े भी उतने ही जबरदस्त हैं। तो आप देखिए खलीफा, और खलीफा ने सबसे पहले किसका नाश किया, तो उन्होंने मोहम्मद के पूरे वंश का नाश किया। खलीफा कौन थे, क्या खलीफा मोहम्मद के उत्तराधिकार से उत्पन्न होकर के आ रहे थे, क्या मोहम्मद ने उनको अपना उत्तराधिकारी चुना था, क्या मोहम्मद ने कहा था इस्लाम का सच्चा मार्ग ये खलीफा बताएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सच्चा इस्लाम कौन है इसकी लड़ाई भी है। तो पहली लड़ाई क्या है, सच्चा दीन कौन सा है, सारे दीन, सारे फिरके, सारे जो मजहब, रिलीजियन, पंथ, धर्म सब जोड़ दीजिए, इसमें सच्चा कौन है। उसके बाद इस सच्चे में से
जो अलग अलग फिरके बनेंगे उनमें सबसे सच्चा कौन है। तो जब जहां पर ये अकेले हैं, केवल ये हैं, जैसे इस्लाम यदि पाकिस्तान में है तो वहां अहमदिया के खिलाफ क्या है वो आप पता कर लीजिए, पाकिस्तान में अहमदिया के साथ कैसा व्यवहार होता है, तो क्या वो वहां पर इस्लाम का होने के कारण उनके साथ वही भाईचारा वही फ्रेटर्निटी के साथ व्यवहार कर पाते हैं। तो यह जो लड़ाई है ये इस केवल आंतरिक नहीं है, बाह्य नहीं है, दोनों है। माफी चाहता हूँ सर इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन आपका ये कहना है कि ये तालिबान की समस्या ना होकर के इस्लाम की समस्या है। 100% तालिबान की कोई समस्या ही नहीं है, बल्कि इसमें आगे और बताऊंगा। लेकिन सर सेमिटिक रिलीजन तो ईसाइयत भी है, यहूदी भी है, उनके भी धर्म ग्रंथ या मजहबी ग्रंथ बिल्कुल उन्हीं की तरह है, लेकिन वहां पर तो इस प्रकार की संभावना दिखती नहीं। फिर ये आपकी व्याख्या से कैसे सहमत हुआ जा सकता है कि ये समस्या तालिबान की समस्या न होकर के इस्लाम की समस्या जी है? बिल्कुल, और रही बात समाज के अंदरूनी वर्गों की, तो वो तनाव तो एलिंगन और कैथोलिक में भी है, और भारत में भी कुछ कुछ उस तरह की जातिवाद का असर तो देख सकते हैं। भले ही यहाँ सशस्त्र संघर्ष न हुआ हो, लेकिन नफरतों का सिलसिला हाल तक तो देखा ही जा रहा है, तो फिर आप इसको कैसे कहना चाहेंगे? जी अब देखिए, मैं अभी ईसाइयत की बहुत व्याख्या नहीं करूंगा, यहूदी के इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो मुद्दा अभी भटक जाएगा, लेकिन फिर भी ईसाइयत में और यहूदियों में क्या कम झगड़े। हिटलर ने इतने यहूदियों की जो हत्या की उसके पीछे के कारण क्या है, आप देखिए उसके अंदर जो एक क्रिश्चियनिटी वर्चस्व का एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो उसके अंदर यहूदी भरा है, नफरत, यहूदी और नफरत। यहूदियों से नफरत क्यों है। आप देखिए जो इंक्विजिशन हो रहा है पूरे यूरोप में वो किसके खिलाफ हो रहा है, इंक्विजिशन कर कौन रहा है और किसके खिलाफ हो रहा है, ये देखिए आप इंग्लैंड में जो प्रोटेस्टेंट प्रभावी हो रहे हैं तो ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में हेर से, यानी कि ईश निंदा, यानी कि जो जो प्रभुत्व है रिलीजन का उसके खिलाफ जाने के कारण ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में 3 लोगों को सार्वजनिक रूप से जिंदा जलाया जाता है। ये कब की घटना है सर? ये 18वीं शताब्दी की घटना है, तो अब तो ये तो बीते दिनों की बात लेकिन हो अब चुकी है। ये बीते 18वीं शताब्दी कोई बीते हुए दिन नहीं है, 18वीं शताब्दी बीते दिन है, और आज भी वहां पर उतने ही झगड़े हैं, लेकिन वो झगड़े आज दब जा रहे हैं क्योंकि क्रिश्चियनिटी के खिलाफ इतने सारे मूवमेंट्स वहां चल रहे हैं, जैसे पूरा पैगन मूवमेंट खड़ा हो गया है, पूरा एक फेमिनिज्म का मूवमेंट खड़ा हुआ है। वो फेमिनिज्म भारत से तुलना हम न करें क्योंकि वहां का जो फेमिनिज्म है वो क्रिश्चियनिटी से लड़ रहा है, और इस बात को समझना हो तो वहां की जो नने जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को त्यागा, जैसे कैरेन आर्मस्ट्रांग है जो नन थी और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को त्यागा, उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, या आप जोसलिन मार्थंडा गेज की पुस्तक पढ़ सकते हैं चर्च वोमेन चर्च एंड स्टेट, या फिर इनकी पुस्तक ए गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू वुमेन पढ़ सकते हैं। ये जो लड़ाई है क्रिश्चियनिटी को ज्यादा बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ रही है इस्लाम के साथ। क्या बात है कि इस्लाम एक खास दायरे में जो उसका कब्जा है, और वहां पर भी अंदरूनी लड़ाई बहुत ज्यादा है, आप देख लीजिए शिया और सुन्नी की लड़ाई उतनी ही जबरदस्त है, उसके बाद फातिमाई लोगों को तो इन्होंने खत्म ही कर दिया, आप देख लीजिए सेकेंड क्रूसेड के बाद फातिमाई कहाँ दिखते हैं आपको, थोड़ा बहुत भारत में मिलते हैं और एक आध जगह कहीं और मिल जाए तो मिल जाए, पूरी दुनिया में फातिमाई खत्म हो गए। अब पूछिए इस्लाम के झंडा बरदारों से फातिमाई कौन है, फातिमा कौन है भाई, मोहम्मद की बेटी ही तो है फातिमा, और वो उसके अनुयायी जो हैं उसको जो मानने वाले लोग हैं। लेकिन सर ये सारी बातें ना तो कुरान ने में लिखी है, ना प्रॉफिट मोहम्मद ने ये बातें कही है, और ना हदीसों में लिखा है, तो इसे हम इस्लाम से कैसे जोड़ सकते हैं? ये तो आपसी कबलाई जंग है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है, दरअसल ये बात भी हम करना चाहते हैं, हम लोग ये इसको समझना चाहिए कि ये वास्तव में जो ये कहते हैं कि हम मोमिन हैं, हम असली मुसलमान हैं, हम असली झंडा बरदार हैं दीन के, ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि यदि देखा जाए तो जो कुरान और जो हदीस बता रहे हैं, जो वो तरीका जो उनमें बिलीफ सिस्टम है, उस बिलीफ सिस्टम पर ये स्वयं भी खरे नहीं उतरते हैं, उस बिलीफ सिस्टम और उन सिद्धांतों पर देखेंगे तो ये मुनाफकीन कहे जाएंगे, ये कहे जाएंगे जो मोमिन बनने की कोशिश का ढोंग रच रहा है, कोशिश नहीं मोमिन बनने का जो ढोंग रच रहा है, इनको तो इस जिहाद करने का, तालिबान जिस जिहाद की बात कर रहा है वो जिहाद करने का भी हक नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आप इसको इस ढंग से देखिए कि एक ग्लोबल फेनोमेना है, हम अभी इस्लाम के सैद्धांतिक पास में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत लंबा विस्तार हो जाएगा। अब यह समझें कि इस्लाम और उसके दीन के या उसके फिरके के जो अलग अलग फिरके होंगे, चाहे वो शिया होंगे या सुन्नी होंगे या अहमदिया होंगे या फिर और फातिमाई जो भी होंगे, वह जहां भी हैं वो कर क्या रहे हैं, तो वह आप देखिए ग्लोबल फेनोमेना है। जैसे जहां पर उनकी संख्या बहुत कम है, जैसे भारत में 19-20% है, हालांकि वो दावा कर रहे हैं 25% है, लेकिन 19-20% ऑफिशियली है,
अनऑफिशियली 25% हो सकते हैं, मान लेते हैं। वहां पर वो क्या मानते हैं? क्या वो शांत बैठे हैं? नहीं, वहां पर उनको विशेष अधिकार चाहिए अल्पसंख्यक होने के। ये तो सर ओबीसी जैसे कुछ नेता हैं जो अल्पसंख्यक होने का जो विशेष अधिकार है अपने आप में यह भी एक प्रकार का आतंकवाद है। यानी आप कहीं जाकर सामान्य लोगों की तरह नहीं रह सकते, आपको एक स्पेशल स्टेटस चाहिए। और आप जैसे ही संख्या में बढ़ते हैं वैसे ही वहां पर आप उस स्पेशल स्टेटस को विशेष एकमात्र स्टेटस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यह अपने आप में एक बड़ा आतंकवाद है। स्पेशल स्टेटस का मांग करना भी आतंकवाद है। और ये पूरी दुनिया में ये स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं, जहां रहें वहां वो स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं। हम अल्पसंख्यक हैं, हमें स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। तो आतंकवाद का जो मूल बीज है वो यहां से प्रारंभ होता है और वो वहां तक जाता है कि जब हमारा कब्जा होगा तो जैसे जैसे हम चला रहे हैं वैसे वैसे ही चीजें चलेंगी। तो अफगानिस्तान की जो घटना है ये सबक है, पूरी दुनिया के लिए सबक है। हालांकि ऐसे सबक एक नहीं मिल चुके हैं, ऐसे सबक तो सैकड़ों आ गए हैं, उसकी गिनती नहीं है। तो चाहे सर आप ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी की क्रांति को भी इसी रूप में देखना चाहेंगे? 100% आखिरकार आप देखिए उस वक्त क्या हुआ था। जो ईरान में जो शासक सब कुछ दे रहे थे, उनको क्या नहीं दिया? उन्होंने विकास दिया, उनको पूरी स्वतंत्रता दी, उनको शिक्षा दी, उसको पलट दिया उन्होंने। उन्होंने कहा ये हमें चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए? हमको दीन का राज चाहिए। और दीन भी कौन सा? तो दीन का भी ये निर्धारण करेंगे ना आगे चल करके, कि दीन सुन्नियों का है या दीन सियाओं का है या दीन फातिमाइदों का है या दीन अहमदियों का है। फिर उसके अंदर भी और फिरके बनेंगे, जो 73 फिरकों की ढेर बात सारे, कर रहे 72-73 थे। जो फिरके हैं इनकी भी लड़ाइयां होंगी। सीरिया में किनके बीच में लड़ाई हो रही है? किसको मार रहे? अभी भी अफगानिस्तान में जो तालिबान मार रहे हैं किनको मार रहे हैं? क्या वो केवल हिंदुओं को मार रहे हैं? मुसलमानों को भी तो मार रहे हैं। मुसलमान, बल्कि एक बात मैं कहूं, मुसलमान पहले विक्टिम है, पहले पीड़ित है इस्लाम के। सबसे पहले मुसलमान पीड़ित हुए और वह पीड़ा फिर वो बढ़ती गई तो बाकी लोग भी पीड़ित हो रहे हैं। तो यह एक ग्लोबल फेनोमेना, इसको इस रूप में देखिए। भारत में जो चल रहा है आप इसको अलग करके नहीं देख सकते, इसलिए भारत जो तटस्थता की भूमिका निभा रहा है, हो सकता है सरकार की कुछ रणनीतिक मजबूरियां मजबूरियां हो सकती, नहीं और रणनीतिक मजबूरियां ही नहीं, रणनीतिक उनकी कुछ पहले हो सकती है। हो सकता है कि वो एक रणनीति के तहत अभी मौन बैठे हों, उनकी कुछ फ्यूचर स्ट्रेटेजी हो जो इस पर कुछ काम करना चाहते हो। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार गलत कर रही है या सही कर रही है, लेकिन मेरा एकमात्र यह कहना है या मेरी समझ यह कहती है कि भारत को इसमें एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। यह भी है, मौन भी कई बार सक्रिय भूमिका होता है। जब आप चुपचाप होकर के कुछ देख रहे होते हैं तो यह नहीं है कि निष्क्रियता है, लेकिन यह निष्क्रियता नहीं है, यह भी पता चलना चाहिए। हम स्ट्रेटेजिक रूप से उस पर मौन है, यह भी बताया जाना चाहिए कि अभी जो चल रहा है हम वाच कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ेगी हम इंटरफेयर भी करेंगे। यह बताया जाना, यह भी रणनीति है। भाई आप चुपचाप अभी देख रहे हमको लड़ने दे रहे। सर तालिबान के आने के बाद सबसे पहले बात कर पूछना चाहूंगा मैं कि अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात अब क्या क्या हो सकते हैं या उनके ऊपर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, जो तालिबान ने घोषणा की है उसके अनुसार तो बहुत स्पष्ट है कि वहां पर जो ह्यूमन राइट्स हैं, सबसे पहले वो ह्यूमन राइट्स खत्म हो जाएंगे, जो वुमेन राइट्स हैं वो समाप्त होंगे। तो जो दो मुख्य चीजें हैं एक सभ्य समाज की, सभ्य समाज हम किसे कहते हैं? कि जहां मनुष्य को अपने जीने का अधिकार उसको मिले, अपने तरीके से जीने का अधिकार। और अपने तरीके से जीने में यह बात शामिल है कि हमारे जीने के तरीके से दूसरे के जीने के तरीके को नुकसान ना पहुंचे। यानी मैं किसी को नुकसान पहुंचा कर जी रहा हूं तो ये मेरे जीने का तरीका नहीं हो सकता, ये मानवाधिकार में नहीं आएगा। तो जो मानवाधिकार है कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए यदि मैं एक तरीके से जीता हूं तो वह जीने का मुझे अधिकार मिलना चाहिए। स्त्रियों के जो अधिकार है, भाई स्त्रियां भी मनुष्य हैं, उनको भी पुरुषों के बराबर जो एक समानता का जो अधिकार है, और यह अधिकार पूरी दुनिया में पहले हमेशा पर तुम विद्यमान रहा। आप देखिए मोहम्मद ने जो पहली शादी की है खदीजा, खदीजा कौन थी? खदीजा एक एंटरप्रेन्योर है, उसके जहाज चलते हैं, उसका बहुत बड़ा व्यापार है, वो विधवा है। विधवा होने के बावजूद वह अपना व्यापार कर रही है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उसका, उसके पास पर्याप्त धन है, वो धन बहुत समृद्ध महिला है, उससे वो विवाह कर रहे हैं। लेकिन क्या तालिबान ये अनुमति देगा कि जिस मोहम्मद के नाम पर ये सारा कुछ वो कर रहा है उसके तालिबान के शासित इलाके में कोई महिला विधवा होने के बावजूद भी अपना व्यापार करे, वह सबको हैंडल करे, पुरुषों को हैंडल करे? क्या इसकी वो छूट दे सकता है?
तो दीन में दीन, दीन के अंदर दीन, और सबसे सच्चा मैं, और सबसे सच्चा, यह जो लड़ाई है ना, यह एक असभ्यता की निशानी है। मैं ही मैं ही मैं ही, यह असभ्य लोगों के लक्षण है, यह सभ्य लक्षण नहीं है। सभ्यता के आधार पर देखा जाए तो इससे अधिक असभ्यता कोई हो नहीं सकती। तो आपका ये कहना है कि आधुनिकता के जितने भी पैमाने हैं, चाहे वो व्यापार, वाणिज्य, व्यवसायिक शिक्षा जो भी हैं, अब वो निषिद्ध हो जाएंगे या अब उनका समूल नष्ट हो सकता है। अब वो एग्जैक्ट क्या करेंगे ये तो बड़ा कहना कठिन है, लेकिन आप एक चीज देखिए कि इस पूरे इलाके में, ये जो सेंट्रल एशिया का इलाका है, विशेषकर जो सिल्क रूट पे एस्टेब्लिश है, जिसको सिल्क रूट कहते हैं, वो सिल्क रूट नहीं है, यह भी एक बड़ा मुद्दा है, कभी हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। यह भारत का जो अपने शास्त्रों में जो वर्णित है वह उत्तरापथ है, और इसको वहां के लोग नॉर्दर्न रूट कहते रहे हैं, या कई जो इस पर पुस्तक लिखने वाले हैं, जैसे वैलेरी हानसन ने अपनी किताब में इसको उल्लेख किया है कि इसको नॉर्दर्न रूट कहा जाता था, हिंदी में उसको उत्तरापथ, संस्कृत में उत्तरापथ हम कहते रहे हैं। इस पूरे इलाके में जो ये उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ये सब जो इलाके हैं, ये हिंदू व्यापारियों के इलाके रहे हैं। आप पूरा इतिहास है इस पर आप स्कॉट सी लेवी की पुस्तक पढ़ सकते हैं, कारवान, हिंदू हिंदू मर्चेंट्स, या फिर आजकल उन्होंने खत्री मुल्तानी मर्चेंट्स ऑन सिल्क रूट के नाम से पुस्तक है, आप देखिए उसमें बहुत स्पष्टता के साथ, इसके प्रमाण के साथ उद्धरण दिए गए हैं। इस पूरे इलाके में जो व्यापार और वाणिज्य था वह बड़ा जबरदस्त फ्लरिश कर रहा था, लेकिन कैसे फ्लरिश कर रहा था, आप यह देखिए, वह जो फ्लरिश हो रहा है, वह जो चल रहा है, वो तब तक चला है जब तक उन्होंने उदारता की दृष्टि अपनाए रखा। जैसे ही वो कट्टरता हावी हुई, वहां पर हजारों की संख्या में व्यापारी मारे गए। तो हमने तो वो तो बहुत स्पष्ट इतिहास, अरे 18वीं शताब्दी की घटना है, बहुत पुरानी नहीं है, 18वीं 19वीं शताब्दी में ये सारी घटनाएं घटी हैं। इस पूरे इलाके से व्यापार वाणिज्य खत्म हुआ है, और वह इसलिए खत्म हुआ क्योंकि वहां पर यह जो दीनी कट्टरता है वो बढ़ी, तो वह कट्टरता फिर बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से यह सारा कुछ तो प्रभावित होने ही वाला है, करेगा कौन? तो आपके कहने का तात्पर्य है कि अफगानिस्तान में प्रगति के नाम पर जो कुछ भी उपलब्धियां हासिल हुई हैं, अब सब पे संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मैं इसमें एक और बड़े मजेदार उदाहरण दूंगा, आपको जानना चाहिए, हम लोग चंगेज खान को बड़ा नृशंस, क्रूर, हत्यारा इत्यादि कहते हैं, लेकिन वास्तव में चंगेज खान के बारे में आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल इससे विपरीत चित्र सामने में आएगा। चंगेज खान ने इस सिल्क रूट को रिवाइव किया, जो सिल्क रूट कहना ठीक नहीं, उत्तरापथ को रिवाइव किया, पुनर्जीवित किया, ये नष्ट हो रखा था, बहुत सारे आतताई आक्रमण ये सब नष्ट हो रहा था, उसने फिर से ठीक किया। तो उसने सोचा कि एक व्यापारिक व्यापार पूरे इस पूरे इलाके में बढ़ाना है, तो उसने व्यापारियों का एक दल बगदाद भी भेजा, सब जगह भेजा, बगदाद भी भेजा। बगदाद ने क्या किया, 100 व्यापारियों का दल था, बगदाद के खलीफा ने सारा माल लूट लिया, सबको मरवा डाला, एक बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा, किसी प्रकार भागा, उसमें सबने भागने की कोशिश की होगी, सारे मारे गए, एक भाग करके वापस पहुंचा, उसने चंगेज खान को यह खबर दी कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। चंगेज खान पूरी फौज लेकर आया, 1 वर्ष की दूरी थी, और उसने साल भर बाद वहां पहुंच के पूरा बगदाद भूमिसात कर दिया। जो ये कहते हैं ना चंगेज खान को नृशंस, हत्यारा, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नृशंस और हत्यारे खुद थे, इसको इन्होंने नष्ट, चंगेज खान ने नष्ट किया। तो सबसे ज्यादा चंगेज खान को मुसलमान ही कहते हैं ये नृशंस और हत्यारा, क्योंकि उनको इसने नेस्तनाबूत कर दिया, पूरा बगदाद नष्ट, खिलाफत जो खलीफत है, खलीफत पूरा नष्ट कर दिया उसने। लेकिन मूल कारण क्या था, याद करिए, मूल कारण था व्यापार में असहयोग, व्यापारियों को नष्ट करना, उनको मारना। तो अफगानिस्तान में वही कुछ होगा, इसमें कोई शंका नहीं होगी। तो क्या सर हम अभी भी इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार रहे कि पख्तूनों में और मंगोलियाओं मुस्लिमों में संघर्ष की संभावना अभी भी है? बिल्कुल हो सकती है, बल्कि मैं इसमें, जैसे मंगोलों ने इस बात को समझा नहीं था, और वो उन्होंने बाद में कालांतर में इस्लाम स्वीकार किया, जिससे कि इस्लाम पुनर्जीवित हुआ, और उसकी कट्टरता पुनर्जीवित, इस्लाम तो क्या है, इस्लाम के पुनर्जीवन से कोई समस्या नहीं है, जो कट्टरता है, जो दीनी कट्टरता कि मैं ही मैं ही मैं ही, केवल जो वो कहा जाता है कि बाकी सब गलत है, मैं ही एकमात्र सत्य हूँ, मैं 2+2=4 हूं, बाकी सब 2+2=3, 5, 6 है, जो कि गलत ही होंगे, यह जो एक कट्टरता वाला भाव है, इसको वो समझ नहीं सके, तो उन्होंने वो कन्वर्ट हुए और फिर यही कट्टरता बढ़ी। तो निश्चित रूप से ये संघर्ष हो सकता है आगे चलकर रखे हो, क्योंकि तो मंगोलिया में आप देखिए, मंगोलिया में जो एक तरीके का पुनर्जागरण हुआ है, उन्होंने चंगेज खान को राष्ट्रीय पुरुष के रूप में फिर से स्थापित किया है, हो सकता है ये संघर्ष बढ़ेगा,
ये घटने वाला नहीं है। पड़ोसी देशों की क्या स्थिति हो सकती है, जो कजाकिस्तान तजाकिस्तान उनकी क्या है, और जो सबसे बड़ी बात है रूस इतना शांत और स्थिर क्यों बैठा हुआ है? रूस से तो इनका लंबा संघर्ष रहा है, 1980 तक देखा गया है। खैर तो तालिबान का जन्म ही सोवियत रूस के विरुद्ध हुआ, कारण चाहे जो भी रहो, तो रूस इस समय इतना शांत क्यों है, इसके पीछे सर आप कुछ कहना चाहेंगे? दोनों में सभ्यताओं का संघर्ष तो लंबे समय से रहा है। नहीं, ये संघर्ष तो लंबा है, इसमें कोई शक नहीं है, और लंबे समय तक जार ने इन पूरे इलाके में कब्जा करने की कोशिश, शासन करने की कोशिश एक समय की, और बाद में जब कम्युनिस्ट रिजिम आया तो उन्होंने इसको कन्वर्ट किया कम्युनिस्ट साम्राज्य में। एक इंपेरियलिज्म, जो कम्युनिस्ट इंपेरियलिज्म खड़ा हुआ, उन्होंने पूरे सेंट्रल एशिया को दो हिस्सों में बांटा, आधा हिस्सा रशिया ने कब्जा करने की कोशिश की और शेष हिस्सा चीन को सौंपा, जिसमें सिकियांग चला गया, बाद में तिब्बत चला गया। तो ये पूरे एशिया को बांटने का एक षड्यंत्र था, जिसको द ग्रेट गेम के नाम से, उसके दो पार्ट है द ग्रेट गेम के, एक 1860 में स्टार्ट होता है और एक होता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो दो फेज हो जाते हैं। पहले फेज में उन्होंने इधर कब्जा किया, सेकंड फेज में उन्होंने चीन का कब्जा बढ़ाया। ये जो किया था, ये हालांकि टिका नहीं, वो टूट गया, ये लड़ाई लंबी थी, ये बात ठीक है। रूस अभी स्ट्रेटेजिकली क्यों चुप है, ये देखने का बात है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी कहना बड़ा कठिन है कि वो चुप है, मैंने कहा ना कई बार चुप रहना भी रणनीति का हिस्सा होता है। लेकिन रूस खुद ही अपने आंतरिक मामलों में चेचनिया विद्रोहियों से जूझ रहा है? नहीं, वो कई मामलों पर जूझता रहा है, पहले भी कई मामलों पे वो ये संघर्ष उनके, आप ये पढ़ सकते हैं जार एंड प्रॉफिट, एक बहुत अच्छी किताब है, जिसमें इस संघर्ष को, इस एक टसल को, ये जो द्वंद है दोनों का, ये द्वंद जो, और इसको सभ्यताओं का द्वंद नहीं कहिएगा कृपया, इसको सभ्य बनाम असभ्य का ही द्वंद कहना चाहिए। सभ्यताओं में संघर्ष नहीं होता, सभ्य लोग लड़ाई नहीं लड़ते इस प्रकार से, वो शास्त्रार्थ करते हैं, असभ्य लोग ही लाठी डंडा चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। ये जो द्वंद्व था सभ्य और असभ्य का, ये वो लंबे समय तक चला रहा है, अभी भी चल रहा है, हो सकता है उसकी अभी रणनीति हो कि अभी हम देखेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे, बाद में वो भी एक्शन लेगा। अभी तो बहुत कम समय बीता है ना, अभी तो स्टार्ट हुआ है, खेल शुरू हुआ है, जो ममता बनर्जी ने कहा था बंगाल में, खेला होवे तो इलेक्शन में आपको खेला होवे दिखा क्या? नहीं, खेला होवे इलेक्शन के बाद दिखा ना, रिजल्ट आने के बाद खेला हुआ, तो ये खेला भी कब होगा ये अभी कहना कठिन है, लेकिन ये खेला होगा, ये शांत रहने वाला मुद्दा नहीं है। एक सर और मैं बात कहना चाहूंगा कि जो तालिबान की जो भी भूमिका है, 56 इस्लामिक देश है, सभी चुप साधे बैठे हैं, वो कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे? खासकर सऊदी अरब और यूएई जैसे देश तो एकदम चुप्पी साधे बैठे हैं, ईरान की भूमिका जरूर सक्रिय दिख रही है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? यह प्रश्न तो उनसे पूछा जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि ईरान भी शिया देश है और बाकी सारे सुन्नी देश है, तालिबान भी सुन्नी को ही मानता है, तो शिया देश का उस पर प्रतिक्रिया करना स्वाभाविक है, नेचुरल है। एक खबर ये भी आई थी, कोई अहमदिया स्टेट होता तो वो भी कुछ प्रतिक्रिया कर रहा होता। एक खबर ये भी आई थी कि अफगानिस्तान में 20,000 शिया मुस्लिम हैं और उन सबको हथियारबंद किया जा चुका है, और ईरान इसमें बड़ी सक्रिय भूमिका अपने गार्ड के माध्यम से कर रहा है। एक जो सबसे सर संवेदनशील मुद्दा है ये कि अफगानिस्तान में तालिबान के पुनर्वापसी के पश्चात पाकिस्तान में अब किस प्रकार के परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं? देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ कि हमें एक बात समझना चाहिए, इसको सत्ता संघर्ष के रूप में कृपया ना देखें, यह कोई सत्ता संघर्ष नहीं है, यह केवल इतना भर मुद्दा नहीं है कि एक शासन गया दूसरा शासन आ गया, जो भारत में होता रहा है कि राष्ट्रकूट गए, चालुक्य आ गए, फलाने गुर्जर गए तो दूसरे आ गए, अलग अलग राजवंश बदल रहे हैं, लेकिन उन राजवंशों के बदलने का आम जनता पर कोई असर नहीं होता था, कभी नहीं हुआ। अब सारे संघर्ष उठाकर देखिए, आम जनता को कोई फर्क नहीं है, किसान खेती कर रहा है, व्यापारी व्यापार कर रहा है, महिलाएं अपना घर चला रही हैं, सब सामान्य ढंग से चल रहा है। यहाँ जो घोषणाएं हैं, आप देखिए उन घोषणाओं को देखिए वो क्या चल रही है, तो यह जो मानसिकता है, ये लड़ाई तो चलेगी, लंबी चलेगी, पाकिस्तान पे भी असर पड़ेगा, नेचुरल, पाकिस्तान में वैसे सुन्नी स्टेट है, जैसे कि 1980 के दशक में जियाउल हक के कार्यकाल में हुआ था, बिल्कुल होगा। और देखिए एक बात है कि ये तो विस्तार चाहेंगे ना, देखिए जैसे हमने पीछे सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीन को कहा था, चेतावनी दी थी कि विस्तारवाद आज के समय में शोभा नहीं देता है, वो नहीं चलेगा, इस्लाम का विस्तारवाद है, इस्लाम शब्द भी ठीक नहीं है। दरअसल क्या मैंने कहा ना, अब इस्लाम क्या है यह कहना बड़ा कठिन काम है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इस्लाम का ये है, लेकिन उसके अंदर जो कट्टरपंथी तत्व है, जो सेमेटिनिज्म है, एक खास सेमेटिक तत्व होता है जो केवल 2+2=4, ये
जीवन गणित नहीं है ना केवल, जीवन कला भी है और वहां पर सब कुछ चलता है। 2+2 हमेशा 4 नहीं होते, यह तो जाकिर नायक को नहीं पता। जैसे 2+2 4 आप कैसे कहते हैं, यह एक पेन है, यह एक पेन है, यह दो पेन है, लेकिन दोनों पेन तो अलग अलग है भाई, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट पेन नहीं हो सकते, यूनिकनेस होती है। तो 2+2 4 कभी नहीं होता। तो जब 2+2 4 मैथमेटिक्स में भी जो एग्जैक्टनेस पर हम खोजने चले हैं, आपको पता है न्यूटन ने जब एग्जैक्टनेस खोजने की कोशिश की और वो थक गया तो उसने टेंजेंट और बाकी सब कुछ की कल्पना करनी पड़ी, लिमिट लगाना पड़ा उसे, पूरी कैलकुलस बिगाड़ी उसने इस चक्कर में, एग्जैक्टनेस के चक्कर में, और अंत में पता चला कि एग्जैक्टनेस होता ही नहीं है, उसको अप्रोक्सीमेशन होता है। 2+2 = approximately 4, नॉट एग्जैक्ट 4। तो आप सर ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी कट्टरवाद उसी तरह पूरे ये विस्तार लेता है, जैसे कि हम उसको मैं क्या किससे मैं तुलना करूं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो सीमित नहीं रहती। जैसे गैंग्रीन होता है ना, वो फैलता है वो रुकता नहीं, जैसे कैंसर होता है वो फैलता है वो रुकता नहीं है, ये विस्तारवादी चीजें हैं। तो ये विस्तार लेंगी और जो उसका इलाज करना पड़ेगा वो करना ही पड़ेगा, आज करना पड़े या कल करना पड़े, और बिल्कुल निर्द्वंद होके, जैसे अब कहा है ना कृष्ण ने गीता में, हतो वा प्राप्य से राज्य, तो या तो तुम जीतने, यदि आप जीतोगे तो राज्य भोगोगे और आप मरोगे तो स्वर्ग भोगोगे, लेकिन इसका तुलना फिर 72 हूरों से मत कर लेना। ये तो एक पुण्य कर्म की बात हो रही है, मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए, स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए, एक सभ्य समाज की पुनर्रचना करने में यदि तुम्हारी आहुति हो जाती है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी को लूट लेंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा, ये बात नहीं है। लेकिन उस लूट को रोकने में यदि आप मरते भी हैं तो आपको पुण्य का रास्ता खुला है, स्वर्ग का रास्ता खुला है। कुछ दिनों पहले सर ये रिपोर्ट आई थी कि अफगानिस्तान में तालिबान की पुनर्वापसी के पश्चात पुनः वो अपराधों का एक नया साम्राज्य उभर के आएगा, जिसको हम लोग ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, चाहे वो अफीम हो, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, या फिर अवैध हथियारों की तस्करी। तालिबान की आर्थिक सत्ता का स्रोत यही है। तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में अपराध का जो ग्राफ पिछले 20 वर्षों में नीचे गिरा था और बढ़ेगा? जो घटनाएं आ रही है वो अपने आप में अपराध है भाई। जब तालिबान यह घोषणा करता है कि 16 साल से ऊपर और 40 साल से नीचे के सब यहाँ सौंप दो, क्या ये अपराध नहीं हुआ? अभी छोटी बच्ची का वो ये तो अपराधी है, ये तो अपराधी घटनाएं नहीं बढ़ेंगी, अपराधी घटनाएं ही चलेंगी। अब अपराध ही कानून होगा, अब वही उन्होंने वो तो घोषित कर रहे हैं ना अपराधी का। हमने सीरिया में नहीं देखा क्या जो ISIS ने यजीदियों के साथ किया? तो वो क्या था, वहां पर कोई राज्य था क्या जिसके खिलाफ अपराध हो रहा था? कोई विधिक व्यवस्था थी क्या जिसके खिलाफ अपराध हो रहा था? अपराध ही विधिक व्यवस्था के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो इसको तो मैं फिर कह रहा हूं, यह कोई सभ्य समाज है ही नहीं ना, ये असभ्यता है। असभ्यता में अपराध की अलग से व्याख्या की नहीं जा सकती, असभ्यता अपने आप में एक अपराध है। तो उसको हम सभ्यता की ओर कैसे ले जाएं, इस पर विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं ग्लोबल चिंतन करना पड़ेगा। आप सोचेंगे अफगानिस्तान की समस्या हम सुलझा दें और वो ठीक हो जाए, ये नहीं होने वाला है भाई। तो आपको पूरे वैश्विक स्तर पे ये पूरा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और मैं इसमें एक बात और जोड़ता हूं कि कोई आवश्यक नहीं है हिंसा ही समाधान हो, मैं नहीं कहूंगा ये बात, कोई आवश्यक नहीं है कि हिंसा समाधान हो। आप स्पेशल स्टेटस देना बंद कीजिए पूरे विश्व में, आप आम आदमी की तरह पूरे विश्व में रहने की उनको अभ्यास डलवाइए। 2+2 3 और 2+2 4 2+2 5 तीनों करेक्ट हैं मान करके जीना सीखने उनको अभ्यास डलवाइए। इसके बहुत रास्ते हो सकते हैं, आप बताइए कि जैसे और लोग रहते हैं वैसे ही रहना सीखो, और नहीं तो उसके क्लास में टीचर मारते नहीं है क्या जब 2+2 3 और 2+2 5 बोलने से? तो पिटाई भी होती है। तो यदि स्पेशल स्टेटस चाहते हो तो पिटाई भी झेलने के लिए तैयार हो। तो यह जो तरीका है इस पर काम करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं केवल मैं ये नहीं कह रहा हूं युद्ध करना पड़ेगा, फिर सेना भेज दीजिए, फिर ये कर लीजिए। पूरे विश्व में तो ये ग्लोबल एक फेनोमेना है, ये जो कट्टरता है, ये जो एक असभ्यता का विकास है, इस असभ्यता के विकास को रोकने के लिए आपको बहुविध उपाय करने पड़ेंगे। सेना और बल प्रयोग से काम नहीं चलेगा, आपको उसके सभ्य उत्तर तलाशने पड़ेंगे उनको। जब एक जैसे भारतवर्ष है 20% या 21% जो मुसलमान है, उन पर तो सेना चलाने की जरूरत ही नहीं है ना आपको,
लेकिन आपने स्पेशल स्टेटस दे के उनके अंदर की कट्टरता, अलगाववाद और उस भावना को आप बढ़ा रहे हैं ना, घटा तो नहीं रहे ना। ये तो सर बहुत पहले से चला आ रहा तो है इस सर। चीज को पहले से चला आ रहा हो, आपको बीमारी, आपको फीवर हो और वो 25 दिन से फीवर चला रहा था, क्या कहेंगे कि नहीं 25 दिन से फीवर है, नॉर्मल है, मैं तो ऐसे रहूंगा? नहीं नहीं सर, रहेंगे, आप दवा खाएंगे ना। सर इस बात पे चर्चा हम लोग फिर करेंगे, लेकिन एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि 75 साल पहले पाकिस्तान भी हमारा ही हिस्सा था, और आजकल पूरे इस्लामिक मुल्कों में अगर कहीं भी कोई भी उपलब्धियां दिख रही तो हमारे हिस्सा रहे बांग्लादेश और पाकिस्तान रहे। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अब पाकिस्तान की भी तमाम उपलब्धियां खतरे में हैं? और अगर खतरे में है तो वहां की जनता में इस प्रकार की असमंजस की स्थिति क्यों नहीं दिख रही है? फिर ये असमंजस की स्थिति तब तक नहीं दिखती है जैसे भारत के भी मुसलमानों में बहुत सारे एक तबका है जो इससे प्रसन्नता अनुभव कर रहा है तालिबान के आ जाने से। मैंने ऐसे कई अपना हमारे मेरे भी मुस्लिम मित्र हैं जिन्होंने इस पे दुख व्यक्त किया है कि बहुत सारे मुसलमान यहाँ पर खुशी मना रहे हैं। सवाल उठता है कि जो खुशी मना रहे हैं वो क्यों खुशी मना रहे हैं? उसके सर कई रूप हैं, उसके ऊपर चर्चा नहीं, करें नहीं 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 वो भी इसीलिए तो खुशी मना रहा है। क्या कि हमने अमेरिका को हरा आप दिया या इस फिर हम दृष्टिकोण भारत। से भारत में कभी विचार नहीं होता कि शिया मुसलमानों की प्रतिक्रिया क्या है, सुन्नी मुसलमानों की प्रतिक्रिया क्या है, सुन्नी में भी वहाबियों की क्या प्रतिक्रिया है, बरेलवी की क्या है, देवबंदियों की क्या, अलग अलग जो सेग्रीगेट कर, जैसे आप हिंदुओं में देखते हैं कि नहीं, तुरंत कहते हैं कि नहीं इसमें देखेंगे क्षत्रिय क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, उसमें अनुसूचित जाति क्या कहेगी, ओबीसी की क्या प्रतिक्रिया। आप जैसे ये प्रतिक्रियाएं मीडिया एनालिसिस करता है, क्या मीडिया ने कभी ये एनालिसिस ये तो किया? सर सेकुलर मीडिया के कई सारे पक्षों का, इसकी चर्चा हम लोग फिर कभी तो ये इस करेंगे। ढंग से एनालिसिस आपको करना पड़ेगा तो आप देखेंगे कि जो वहां पर जनता उसका स्वागत कर रही है वो कौन है, वो सुन्नी है या फिर वो शिया है या वो कोई और है, और जो स्वागत कर रही है वो यदि सुन्नी है या जो भी। मैं बताऊं बड़े मजे की बात है, जब पार्टीशन हुआ बहुत सारे मुसलमान भारत से भाग करके पाकिस्तान गए कि अब तो हम लोग अपने स्वर्ग में आ गए, इस्लामिस्तान में हम स्वर्ग में आ गए, और वहां उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ? आपने वो फिल्म देखी है सरफरोश? सरफरोश आमिर खान की जो मूवी है जिसमें नसरुद्दीन शाह के साथ जो वहां का कहते हैं वो तो तुम मुजाहिद, मुजाहिद ही कहा है ना उनको, मुहाजिर मुहाजिर, तुम मुहाजिर हो। तो ये मुहाजिर क्या था? थे तो मुसलमान, थे तो सुन्नी, फिर भी आप मुहाजिर कैसे कहलाए गए? तो ये जो भेद परक दृष्टि है ना, ये जो असभ्य दृष्टि है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, आप देखिए एक उदाहरण और देता हूँ, आप ये थोड़ा अन्यथा मत लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा ये उदाहरण असभ्य उदाहरण है, मैं इसको देना नहीं चाहता था लेकिन आप इसको समझ नहीं पाएंगे। आप देखिए एक पशुओं में इलाका बटा होता है, वो शेरों में भी होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा देख सकेंगे कुत्तों में देखेंगे आप। आप एक कुत्ता को आप यहां से लेकर के 100 मीटर तक ले जाइए, जी रास्ते में जिस दिन कुत्तों के अपने इलाके पड़ेंगे वहां उसको घुसने नहीं देने की कोशिश करेंगे। क्यों नहीं घुसने दे रहे हैं? तो वो ये असभ्य मनोवृत्ति है, ये पशु प्रवृत्ति है। मेरा इलाका मनुष्य तो क्या कहता है, तुम आए हो भैया भोजन करोगे, सीधा ये पूछा जाता है। ये भारत की दृष्टि थी, अतिथि देवो भव, पशु नहीं सोचता अतिथि देवो भव, वो तो देखते ही, अरे ये तो मेरा संसाधन छीनेगा, मारो काटो इसे, खा जाओ इसको, भगाओ, ये पशु प्रवृत्ति है। और यह जो मनुष्य का हमारे यहाँ जो जो हम तैतृयोपनिषद में कहते हैं अतिथि देवो भव, तो ये अतिथि को देवो देवता मानने की भावना, ये सभ्य भावना है। और दूसरे को देखते ही तुम मुहाजिर हो जी, ये असभ्य भावना है। ये असभ्य भावना पाकिस्तान में तब भी थी ना, आज वो प्रसन्न हो रहे होंगे तालिबान को लेकर के, लेकिन ये बहुत दिन टिकने वाली नहीं है। फिर जब वो उन पर आएगी तो तो फिर क्या वो भी लगता है सर, पाकिस्तान फिर टूटेगा? अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक तो यही कह रहे कि पख्तूनिस्तान जैसे एक देखिए नए मुल्क पाकिस्तान की एक संभावना दिख रही पाकिस्तान है। कोई देश नहीं है, हाँ वो तो एक आइडिया है। पाकिस्तान एक आइडिया वाइडिया भी नहीं है। पाकिस्तान क्या है, एक कब्जा किया हुआ एक इलाका है, भारत का इलाका है, जिस पर कुछ समय के लिए इस प्रकार का एक असभ्य वातावरण बना है, एक असभ्यता का राज्य फैला है। वो सभ्य राज्य नहीं है पाकिस्तान में, जो शासन इतने वर्षों से चल रहा है वो कोई सभ्य शासन नहीं है। आप देख लीजिए उन्होंने जब से कब्जा किया गिलगित बाल्टिस्तान पे, वहां की स्थिति आप पता कर लीजिए, वहां के लोकल लोगों की क्या स्थिति है, वहां उन्होंने एक पुल तक बना कर नहीं दिया। खैर वो तो अलग बात है, वो अपने बालूच भाई लोग के साथ भी समानता तो का व्यवहार नहीं यही मैं कह करता। रहा हूँ, वो सभ्य राज्य और एक राज्य बनाया कब्जा करके जी, और एक असभ्य साम्राज्य बनाया, तो उसका नष्ट होना स्वाभाविक है। असभ्यता दिन दिन नहीं टिक गई है क्योंकि मनुष्य का जो मूल गुण है वो सभ्यता है। मनुष्य मूल रूप से सभ्य है, ईसाइत की भांति वो पाप की उत्पत्ति नहीं है, मनुष्य पुण्य से उत्पन्न हुआ है और इसीलिए वो सभ्य रहना चाहता है। यह जो असभ्यता उसके अंदर कूट के बीज में भरी जाती है, यदि उसको भरना बंद कर दें वो नेचुरली सभ्य हो जाएगा। यदि उसके अंदर से निर्दयता भरना बंद कर दें, यदि उसको क्रूर बनाना बंद कर दें,
वो स्वाभाविक रूप से एक दयालु व्यक्ति बनेगा, नेचुरली बनेगा। यदि उसको एक स्वाभाविक वातावरण में पाले पोसे बड़ा करें तो वो बनेगा ही नहीं असल में। तो पाकिस्तान एक अस्वाभाविक अवस्था है, उसका तो नष्ट होना तय है, वो आज हो कल हो परसों हो तरसों, वो ये काल क्रम की बात है। अब सर एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि तालिबान के सत्ता में पुनर्वापसी के पश्चात यूरोप, खासकर यूरोप के ईसाई साम्राज्य या वेटिकन इस घटना को किस रूप में देख रहा है? देखिए वो किस रूप में देख रहा है ये तो वो बताएंगे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है उनकी, वही बता रहा हूँ। लेकिन यह बात तो उन्होंने बहुत पहले कही ना, हटिंगटन ने क्या कहा, सभ्यताओं का संघर्ष होगा, उसका मतलब बाकी किसी चीज से नहीं था, उसका मतलब था अमेरिका का संघर्ष होगा, ठीक है ना। अमेरिका क्या है, वो एक क्रिश्चियन आइडेंटिटी, चाहे जितना भी वो कहे कि नहीं हम सेकुलर हैं, हम ये हैं, यूरोप का एक्सटेंशन है आप उसे कह सकते हैं, बस नियो यूरोप जो क्रॉसबी कह रहे हैं आप, इकोलॉजिकल इंपेरियलिज्म में रॉबर्ट क्रॉसबी कह रहे हैं कि वह एक नियो यूरोप है और कुछ नहीं है। तो जो नियो यूरोप है क्रिश्चियन यूरोप ही है, उसकी कोई आवश्यकता क्या है, क्रिश्चियनिटी उसकी मूल भावना है। देखिए ये अथेइज्म जो फैल रहा है यूरोप में, अथेइज्म होगा या बाकी जो अलग अलग से और पैदा हो रहे हैं, ये सब क्रिश्चियनिटी के ही रूप विस्तार है, उससे भी कुछ नहीं है। इस पर अब बहुत सारी पुस्तकें लिखी जा चुकी है, उन्होंने खुल करके लिख दिया है इस बात को, इसको तो अब मानना ढकना छिपना बेवकूफी वाली बात है। लोग इसे आप खतरे के रूप में देख रहे हैं, 100% देख रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है, वहां पर भी वही समस्या है कि एक वर्ग ऐसा खड़ा है जो आपस में ही द्वंद्व अंतर द्वंद्व से गुजर रहा है। देखिए एक अपराध बोध की भावना पूरे क्रिश्चियन जगत में है, और उस अपराध बोध को आप देखेंगे उनके हॉलीवुड पिक्चर्स में भी दिखता है। जैसे अवेंजर्स हैं, अवेंजर्स की मूवी आप देखिए तो उनके अंदर एक अपराध बोध है, मेरे कारण इतने नष्ट हो गए, वो ये नहीं देख रहे इतने को हमने बचाया, क्योंकि बचाने के लिए नष्ट करना अनिवार्य है, ऐसा उनके दृढ़ मूल विश्वास है। बिना किसी को नष्ट किए वो किसी को बचा नहीं सकते, हमारा ऐसा चिंतन नहीं है, हम इसको भी बचा लेंगे इसको भी बचा लेंगे, दोनों को बचाने का प्रयास हमारे यहाँ होता है। जो नष्ट हो रहा है वो अपनी चेष्टा अपनी कुचेष्टा से नष्ट होता है, हमारे किए नहीं होता है, ये बहुत स्पष्ट चिंतन, ये भेद है। तो उनके अंदर एक अपराध बोध है, गिल्ट कंसियसनेस है, वो गिल्ट कंसियसनेस कहीं ना कहीं उनको कुछ रोकती है, हालांकि ये संघर्ष वो जानते हैं क्योंकि वो 600 साल इनसे लड़े हैं भाई, और पीटे हैं, 7 या 8 क्रूसेड हुए ना, कितने क्रूसेड हो गए थे, 6 या 7 क्रूसेड हुए, सारे क्रूसेड्स में पहले को छोड़ के सब में हारे हैं, एक तरह से कहे पूरा का पूरा इस्लामिक साम्राज्य का वर्चस्व रहा है। हाँ वो हमेशा पिटे हैं हारे हैं, यह भी एक उनके अंदर कहीं कंसियसनेस में बैठा है, जो हार हुई है उनकी लगातार, यह पिटाई कहीं बैठी है, इसलिए भी वो चुप बैठे हैं, ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं कि ये कहीं ना कहीं। और ये अपराध बोध मैं बताऊं, आप देख लीजिए सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले पूरा अमेरिका क्या कह रहा है, अब ये नए फैक्ट्स आ रहे हैं, वो तो कोशिश में है कि सारे हथियार डुबा दो नष्ट कर दो, लड़ना ना पड़े कभी, फिर भी सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, वो अभी भी शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर डुबा करके बचने की कोशिश कर रहे, जैसे बिल्ली आ गई कबूतर आंख मीच लेता, मैं नहीं देखूंगा, अरे तुम्हारे आंख मीचने से बिल्ली थोड़ी भग जाएगी भाई। तो जो उसकी स्थिति है, कुछ गिल्ट कॉन्शियसनेस है, कुछ एक पराजित मनोभाव है, जो बार 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 पराजित हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उनके कॉन्शियसनेस पे हावी हो जाता है, ये दोनों तीनों चीजें हैं, संघर्ष उनका है बराबर है, वो खत्म नहीं होने वाला है, वो भी हो ये पक्का है। तो ये 2001 में अफगानिस्तान, 2003 में इराक, 2010 में लीबिया, 2013 में सीरिया, क्या इसी श्रृंखला की एक कड़ी है? मैंने कहा ना ये ग्लोबल फेनोमेना है, अब पूरे दुनिया में ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम फ्रेम में ये घटता रहेगा घटेगा, आप जब तक इसको एक ग्लोबल फेनोमेना के रूप में देख के और एज ए होल इसको नहीं डील करेंगे, जहां पर तालिबान से लड़ना है तो सेना से लड़े, लेकिन यदि जहां पर वो तालिबान नहीं है, जहां पर वो शांति से रह रहे हैं, वहां पर उनको शांति से रहना सिखाना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि नहीं वो नेचुरल एनवायरनमेंट में सीख जाएंगे, नहीं सीखेंगे, नहीं सीखेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक असभ्यता की शिक्षा अलग चलती है उनकी, उस असभ्यता के शिक्षण को बंद करा के सभ्यता के शिक्षण को उनमें लाना पड़ेगा, ये बहुत अनिवार्य है। तो जैसा आप कहना चाहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जिस प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों के तौर से ईसाई साम्राज्य गुजरा या यहूदी साम्राज्य गुजरा, अब वो समय शीघ्र ही आने वाला है इस्लामिक समाज के 100% आएगा, और पूरी दुनिया को यह सबक सीखना पड़ेगा, और इसका रास्ता भारत ही दिखा पाएगा, दूसरा कोई दिखाएगा। और सर बात करते हैं कि तालिबान के सत्ता में पुनर्वापसी के पश्चात भारत में किस किस प्रकार की समस्याएं उभर के आ सकती है? तत्काल तो मुझे नहीं लगता तुरंत कुछ आएंगी, जब तक कि पाकिस्तान नहीं उनके ये में आता है, पाकिस्तान से के थ्रू
भारत में कुछ हलचल जैसे हो कश्मीर रही होती में है। देखा हाँ, गया तब था। जब तक वो नहीं होता तत्काल कुछ नहीं होने जा रहा है। यह जरूर है कि जैसे मनोबल बढ़ता है यहाँ के कट्टरपंथी जिहादी ताकतों का, जो उसी तरह सरिया और दीन के शासन लाना चाहते हैं, उस असभ्यता के साम्राज्य को, जहालियत के साम्राज्य को फैलाना चाहते हैं, ऐसे जो तत्व हैं उनका जरूर हौसला बुलंद होगा, उनको लगेगा। लेकिन अभी कोई ताकत उनको वहाँ से सपोर्ट तुरंत मिलने जा रहा है, इसे मुझे लगता नहीं है। और अभी भारत में जो शासन व्यवस्था है वो इस मामले को हैंडल करने में, इसको सलटाने में सक्षम है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मुझे नहीं लगता तत्काल कुछ बहुत फर्क पड़ेगा। लेटर बाकी आगे क्या होगा ये तो आगे फिर हम देखेंगे, जैसा जैसे जैसी स्थितियां बनेंगी अंतर्राष्ट्रीय वैसी होगी। तो तालिबान के ऊपर जारी विमर्श का दौर हम जारी रखेंगे, लेकिन आज हमारे सामने जो सबसे बड़ा संकट दिख रहा है कि इस तालिबानी व्यवस्था से सबसे ज्यादा उत्पीड़ित मुस्लिम समुदाय के लोग ही हैं। ईरान में ये घटना 90 के 80 के दशक में देखी जा चुकी थी। आज पुनः अफगानिस्तान के सड़कों के ऊपर जो अफगानी दौड़ के भाग रहे हैं, या फिर अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हैं, या फिर यूट्यूब के ऊपर जो कुछ भी अपीलें हमारे सामने आ रही है वो मानवता को झकझोरने के लिए काफी है। तो एक ईरानी राष्ट्रपति का एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगा कि वर्ल्ड में 92% रिफ्यूजी मुस्लिम समुदाय से हैं और उनको उत्पीड़ित करने वाले तालिबान जैसे ही लोग हैं। तो ये वार्ताओं का दौर जारी रहेगा। अगले हम इस कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम इस समस्या से जुड़े अन्य पहलुओं की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।